लू लगने के बाद क्या होता है? आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को लू लग गई है? एक बार पता चलने के बाद इसका उपचार कैसे करना चाहिए? जैसे कई सवाल एक साथ आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि लू लगना भले ही एक मौसमी समस्या हो, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो जान के लिए खतरा भी हो जाता है। सबसे पहले लू लगने के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। लू लगने के बाद शरीर अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है। शरीर का ताप बढ़ने के बाद भी पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, लगातार जी मचलाता है और उल्टी भी हो सकती है। स्किन पर लाल निशान, रैशेज या चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। दिल की धड़कनें तेज रहती हैं, सिर में दर्द बना रहता है, मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है, कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। कुछ सोचने की कोशिश करो तो चीजें याद नहीं आती हैं। बुखार बढ़ता चला जाता है। स्किन रूखी लेकिन बहुत नर्म महसूस होती है। क्यों होती है लू लगने की समस्या? लू लगने की समस्या की एक नहीं कई वजहें हैं और ज्यादातर कारण आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जैसे ठंडे मौसम से या कहिए कि एसी रूम से अचानक तेज धूप और गर्मी में आ जाना, गर्म हवाओं और धूप में ज्यादा समय बिताना, तेज गर्मी के मौसम में ज्यादा एक्सरसाइज करना, शरीर की आवश्यकता से कम पानी पीना, गर्मी के मौसम में ठंडी तासीर की चीजों का सेवन ना करना या कम करना, जैसे दही, खीरा, तरबूज इत्यादि, सही कपड़ों का चुनाव ना करना, ऐसे कपड़े पहनने से बचें जिनमें हवा पास ना होती हो, कॉटन पहनना सबसे सही है। अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना भी गर्मी के मौसम में भारी पड़ता है और लू लगने की वजह बनता है, क्योंकि इससे शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर होती है। लू लगने पर क्या करें? कई बचाव और प्रयासों के बाद भी अगर आप लू की चपेट में आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका शरीर इसके बुरे प्रभावों से लड़ने में सक्षम होता है, क्योंकि जो लोग सही डाइट लेते हैं और लू लगने के कारणों से पूरी तरह से बचने का प्रयास करते हैं, उनका शरीर आंतरिक रूप से काफी मजबूत होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लू लग जाए तो सबसे पहले ये काम करें, सबसे पहले ठंडे स्थान पर लेट जाएं, लेकिन एसी को बहुत तेज ना करें, शरीर को हवा लगने दें, गीले कपड़ों से शरीर को हल्के हाथों से पोछें, सांस नॉर्मल करने की कोशिश करें और ताजा पानी पिएं। इलेक्ट्रोल घोल नींबू पानी पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर थोड़ी देर के लिए गीला तौलिया सिर पर रखें और मस्तिष्क शांत हो सके, शरीर का तापमान कंट्रोल होने पर ताजे पानी से स्नान करें। उल्टी पेट दर्द और लूज मोशन होने की कंडीशन में डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बुखार हो जाए तब भी अपने मन से दवाएं ना लें, डॉक्टर से सुझाव लेकर ही दवाओं का सेवन करें। इसके बाद बताते हैं लू से बचने के उपाय। तेज धूप और गर्म हवाओं में निकलने से बचें। अगर आप किसी कारण से तेज गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़े तो नींबू या इलेक्ट्रोल पीकर निकलें। शरीर में फ्लूइड की मात्रा को पूरा करने के लिए सिर्फ ताजे पानी पर निर्भर ना रहें, बल्कि ठंडा दूध और नारियल पानी जैसी देसी पेय जरूर पिएं। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और चाय से जितना हो सके दूर रहें। ये शरीर में पानी की मात्रा को कम करने का काम करता है। धूप में निकलने से पहले कॉटन के कपड़े पहने और फुल बाजू के कपड़े पहने। धूप से बचाव के लिए छाते का इस्तेमाल करें। नाक और मुंह के हिस्से को मास्क से कवर करें या फिर रुमाल बांध कर रखें। गमछा, तौलिया या सूती स्कार्फ से अपने कान जरूर कवर करके रखें। कान ढके रहने पर शरीर का तापमान कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। पानी की बोतल साथ लेकर चलें और प्यास को बर्दाश्त ना करें। कभी भी भूखे पेट धूप में या गर्म हवाओं में ना जाएं।